नमस्कार, डीएनएक्स वास्तु ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है पंडित देवनारायण शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कीचड़ अगर घर की दूसरी दिशा में बन गया है तो उसके लिए हमें क्या उपचार करने चाहिए और उसके क्या उपाय हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जैसे हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि किचन को अग्नि कोण में निर्मित करना चाहिए। अगर अग्नि कोण में जगह नहीं है तो हम उसको उत्तर और पश्चिम के कोण में, जिसको हम वायव्य कोण कहते हैं, उसमें निर्मित करते हैं। लेकिन किसी वजह से हमने गलत निर्माण पहले ही कर लिया है तो देखिए, आज हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पे अगर किचन बन जाए, अलग अलग दिशाओं पे किचन बनने का क्या फल हमको मिलता है। अगर आपने घर के भवन के ईशान कोण पे किचन निर्मित कर लिया है, जैसे आपको पता है कि ईशान जो कोण है वो जल तत्व का स्थान होता है। ईशान कोण का जो स्वामी है वो हमारे ईश्वर हैं, देवता हैं। यह पूजा का स्थान माना गया है। तो जब भी ईशान कोण पे, उत्तर और पूरब के कोने पे किचन बनेगा, तब तब हमको उस ईश्वर से, उस परमात्मा से, उस रचयिता से का कोप का भाजन बनना पड़ता है। ईशान कोण से हम घर के जेंट्स मेंबर, घर के जो पुरुष लोग हैं, उनके भाग्य का निर्धारण भी हम करते हैं। तो जब भी घर के ईशान कोण पे किचन बनेगा तो आप देखिए, आप अपने घर को पे एक दृष्टि डालिए, आपके घर पे निर्मित ईशान कोण का किचन घर के जेंट्स मेंबर के दुर्भाग्य का कारण कारक बनता है। अक्सर ईशान कोण पे निर्मित किचन एक्सीडेंट, विवाद, लड़ाई झगड़े या धन हानि का कारण बनता है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि अगर किचन ईशान कोण पे निर्मित हो तो नए होने वाले संतान पुरुष के बजाय महिलाएं, लड़कियां ज़्यादा होती है। तो आपको ये आश्चर्य होगा कि ऐसे कैसे होता है, लेकिन एक बड़ा साइंस है ये कि अगर किसी के घर पे लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो रही है और मदर फादर चाहते हैं कि उसके घर पे पुरुष संतान हो, तो आप ज़रूर चेक करें कि उसका किचन आपको ईशान कोण पे मिलेगा। अगर यही किचन पूरब दिशा पे निर्मित हो गया तो क्या होगा, पूरब दिशा भी का जो तत्व है वो जल तत्व है। तो जब भी जल तत्व के स्थान पे अग्नि तत्व आएगा तो दोनों तत्वों पे अवरोध पैदा होगा। दोनों तत्व एक दूसरे के दुश्मन हैं, परम दुश्मन हैं। तो अग्नि तत्व और जल तत्व जब भी अपने एक दूसरे के स्थान पे आ जाते हैं तो उस घर पे अव्यवस्था आ जाती है। और पूरब का जो स्थान है वह भी हम जेंट्स मेंबर का कोना के रूप में देखते हैं, तो फिर घर के जो पुरुष हैं वो ज़्यादा प्रभावित और बाधित होते हैं। और पूरब दिशा से हम गवर्नमेंट सेक्टर को देखते हैं, जितने शासकीय पक्ष हैं, जितने सरकारी कर्मचारी हैं, या अगर आपका व्यापार व्यवसाय पुलिस प्रशासन से है, नगर निगम से है, अगर आप पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारी का काम कर रहे हैं तो आप सचेत रहिए कि पूरब दिशा में निर्मित किचन का कोई ना कोई उपचार अवश्य करवा लें, क्योंकि ये आपको शासकीय पक्ष से बाधा के रूप में बार बार मिलेगा। या तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स का बार बार, जीएसटी का बार बार आपके घर पे, आपके भवन पे छापे पड़ते रहेंगे। अगर यही किचन उत्तर की दिशा में बन जाए, उत्तर दिशा जैसा कि आपको पता है कि इस स्थान से हम धन, व्यापार व्यवसाय, धन की आवक या कैरियर का पॉइंट मानते हैं कि हमारा जो फ्यूचर में भाग्य होने वाला है कि हम आगे अपने कैरियर में कैसे बढ़ते हैं, तो उसको हम उत्तर दिशा से देखते हैं। तो जब भी उत्तर दिशा में किचन आएगा तो उत्तर दिशा का तत्व हुआ जल, और जल तत्व और अग्नि तत्व का मिलन नहीं हो सकता, तो हमको हमारे
व्यापार व्यवसाय धन में पीछे आना पड़ेगा। हमको अपने बैंकों में जमा पूंजी से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे लोग जो धन से संबंधित व्यापार करते हैं, जैसे जो LIC में काम करते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, जो सेल टैक्स में, इनकम टैक्स में काम करते हैं, या जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, उनको अपने उत्तर दिशा में निर्मित किचन का परिहार या निराकरण अवश्य कर लेना चाहिए। अगर किचन किसी वजह से नैऋत्य कोण पे बन जाए तो क्या होगा? अगर नैऋत्य कोण पे किचन बन जाए तो जैसा आप सब जानते हैं, नैऋत्य कोण में हम आपसी सामंजस्य का कोना जानते हैं। इससे नैऋत्य कोण पे पति पत्नी के आपसी संबंधों को देखा जाता है। आपसी संबंधों में मिठास कब होगी? जब नैऋत्य कोण हमारा सुरक्षित रहेगा। लेकिन जैसे ही नैऋत्य कोण पे दक्षिण पश्चिम के कोण पे किचन आता है तो आपसी संबंधों में कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। आप उस घर पे जाके बता सकते हैं कि इस घर में रोज सुबह शाम युद्ध होता होगा, पति पत्नी आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते आपको मिलेंगे। इसी कोण से, इसी नैऋत्य कोण से हम सामाजिक संबंधों को भी देखते हैं कि हमारा जो समाज में जो संबंध है, इसी नैऋत्य कोण से देखा जाता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि किसी किसी लोगों को अपयश ज़्यादा मिलता है, कि उनको यश ही नहीं मिलता, लोगों की भलाई करते रहते हैं तब भी उनको समाज से, परिवार से अपयश झेलना पड़ता है। तो आप जरूर देखें कि आपका अपयश का कारण कहीं नैऋत्य कोण पे स्थित आपका किचन तो नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे यह जो किचन है उसको कहाँ बनाएं, और अगर वो गलत जगह पे बना हुआ है तो उसका हम जरूर निराकरण कर लें। तो मैं आपको अंत में जाते जाते ये टिप्स जरूर देते हुए जाऊंगा कि अगर आपका किचन गलत जगह पे बन गया है तो किचन के अग्नि कोण पे एक लाल रंग का बल्ब जला करके रख दें। क्या होगा उसे? कम से कम सांकेतिक रूप से अग्नि तत्व, किचन का जो अग्नि तत्व है वो विकसित रहेगा। और एक आप काम कर सकते हैं कि किचन के पीछे अगर खाली स्थान पड़ा हुआ है, आंगन है, तो आप उसके आसपास में छोटे छोटे पेड़ पौधे और गमले लगा करके रख दें, जिससे वो जो नकारात्मक ऊर्जा उस किचन के आसपास में मौजूद है वो सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी।